अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, RYK स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं यूसुफ खान लशारी। नेशनल स्टेडियम कराची लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से दोबारा हाजिर हूं। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान में जो वनडे मैचेस की सीरीज़ के आखिरी 3 वनडे मैचेस है वो इस स्टेडियम में शेड्यूल है। ये वनडे मैचेस जो है वो 3, 5 और 7 मई को यहाँ पर खेले जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने नज़र भी आ रहा होगा स्पेशल पिचेस यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। यहाँ पर 5 जो है वो स्पेशल पिचेस प्रिपेयर की जा रही है। और अगर बात की जाए कि क्या ये पिचेस वहीं जिस तरह की रावलपिंडी में फ्लैट पिचेस बनाई जाती है तो उस तरह की होगी, तो यहाँ पर बिल्कुल भी उस तरह का सीन हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी से ही ये लोग बहुत ज़्यादा इस पर पिचेस पर मेहनत कर रहे हैं, और मैंने इनसे जब बात की थी तो ये लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो पिचेस बनाई जाएंगी इसमें बाद में जो है वो ग्रास का जो है वो काफ़ी जो है वो रोल होगा, बाद में जो है वो ग्रास भी इसमें ज़्यादा जो है वो आ सकता है। अभी 5 से 6 दिन बाकी हैं और अभी इसको मज़ीद भी प्रिपेयर किया जाएगा, और अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालकर फिर इसको दोबारा जो है वो लेवल किया जाएगा। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिच बिल्कुल ही भारी हो जाएगी तो वहाँ पर जब बॉल पड़ेगी तो कितना मुश्किल होगा बैट्समैन को उस बॉल को खेलने में। तो ये रावलपिंडी की पिचेस की तरह यहाँ पर तैयार नहीं की जाएंगी, बल्कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मदद यहाँ पर उनको मिलेगी, और फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो ये पिच काफ़ी कमाल की होगी। और तकरीबन जितनी भी ये लोग पिचेस बना रहे हैं तकरीबन सारी की सारी पिचेस यहाँ पर उसी तरह की बनाई जा रही हैं। और यहाँ पर बाकी ये भी पॉइंट है कि नेशनल स्टेडियम कराची आज से पहले इतना जो है वो यहाँ पर ग्रीन लश हमें नज़र नहीं आई जितनी इस बार जो नज़र आ रही है। यहाँ पर ग्रास काफ़ी यहाँ का चमक रहा है इस बार नेशनल स्टेडियम कराची का। पहले चेयर के बारे से अगर मैं आपको बताऊँ तो चेयर्स भी थोड़ी थोड़ी सी हमें इतनी साफ़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस बार जो वो चेयर्स को भी काफ़ी वॉश किया है। तकरीबन 1 महीना पहले मैं स्टेडियम में आया था, मैंने स्टेडियम की वीडियो तो नहीं बनाई थी लेकिन मैंने इसका विज़िट किया था। तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो तब्दील हो गई थी तो वो लाहौर से स्टार्ट होनी थी, तो इस वजह से फिर वो मैंने अब जो है वो अपडेट आप लोगों को शेयर नहीं की। लेकिन क्योंकि अब जो है वो यहाँ पर मैचेस होना शुरू हो गए हैं तो अब वहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने जो है वो प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, चेयर्स वगैरह को वॉश करने का भी काम किया था, ग्रास वगैरह पर ये लोग मेहनत कर रहे थे, और पिचेस पर तो बहुत ज़्यादा इस बार इन्होंने मेहनत की है। और कमाल का जो है वो इस बार नेशनल स्टेडियम कराची का जो है वो लुक नज़र आ रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो मैचेस इस बार हुए तो काफ़ी अच्छे होंगे, और कमाल का एक पूरा का पूरा स्टेडियम है, कमाल ये एक लुक है पूरे के पूरे स्टेडियम की। फुल जो है वो इस बार रूफ़ के ऊपर भी इन्होंने काम किया, रूफ़ के ऊपर भी जो है वो इन्होंने वाइट कलर का जो पेंट है उसको साफ़ किया है, क्लियर किया है, मतलब जहाँ पर मिट्टी वगैरह थी तो वो भी साफ़ की है पानी वगैरह से। वैसे भी बारिशों में ये यहाँ पर जितने भी रूफ़ के ऊपर मिट्टी होती है तो वो जो है वो उतर ही जाती है, लेकिन इन्होंने इस बार स्पेशल पानी लगाकर रूफ़ को साफ़ किया है। तो काफ़ी अच्छा है कि नेशनल स्टेडियम कराची एक बहुत ही हमारा खूबसूरत स्टेडियम है और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। इस बार काफ़ी अच्छा जो है वो स्टेडियम की लुक एक नज़र आ रही है। और नेक्स्ट जो मैचेस होंगे इंशाल्लाह न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद जो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची की रूफ़ जो कि ये आप मतलब इतनी कुछ खास नहीं है ये भी तब्दील हो जाएगी, और चेयर्स के इंस्टॉलेशन के हवाले से भी कोई बड़ा इकदाम सामने आएगा। तो व्यूअर ये है मेरी आज की अपडेट नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मैंने सिर्फ एक कॉन्साइज सी अपडेट आप लोगों को दी है क्योंकि टाइम भी थोड़ा होता है तो आपको जस्ट अपडेट देनी होती है कि आपको कम वक्त में अपडेट भी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मैं दे सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट जो भी जिस भी स्टेडियम के हवाले से आएगी, स्पेशली नारोवाल स्टेडियम के हवाले से क्योंकि मैं आजकल उसी स्टेडियम को ज़्यादा कैप्चर कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो जितने भी न्यू मेम्बर्स आए हुए उनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट आप लोगों तक आसानी पहुंच जाए। थैंक यू।